नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। कादर खान के गुजरने पर गोविंदा ने कहा, वो मेरे उस्ताद नहीं बल्कि पिता की तरह थे। हिंदी सिनेमा में अपनी लाजवाब कॉमेडी और बेहतरीन संवाद के लिए जाने जाते हैं अभिनेता कादर खान। बीते रोज उनका निधन हो गया और वो 15-16 दिनों से हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर है, हर कोई अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। इसी श्रृंखला में गोविंदा ने एक ऑडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि जनाब कादर खान साहब हमारे बीच नहीं है, वो सिर्फ मेरे उस्ताद नहीं बल्कि पिता की तरह थे। उनके हाथों में एक ऐसी कैफियत थी कि वो जिसके साथ रहे वो स्टार हुआ, सुपरस्टार हुआ। फिल्म लाइन, मेरा घर परिवार हम सब दुखी हैं और लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि उनकी रूह को सुकून मिले और आपको जन्नत मिले। कादर खान के साथ गोविंदा ने दूल्हे राजा, राजा बाबू, कुली नंबर वन, राजा जी आंखें, छोटे सरकार, साजन चले ससुराल, आंटी नंबर वन, जोरू का गुलाम, अनाड़ी नंबर वन, कुंवारा, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में अभिनय किया है और इस जोड़ी का अभिनय पसंद भी किया गया। 300 से अधिक फिल्मों में काम किया कादर खान ने। दाग से शुरुआत की और वहां उन्होंने विलेन, कॉमेडियन, गंभीर किरदार से लेकर अंधे तक के रोल को बहुत बखूबी निभाया। अफगानिस्तान में 22 अक्टूबर को 1937 में कादर खान का जन्म हुआ था। बचपन में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। पिता ने और उनकी माँ को छोड़ दिया था और फिर उनकी जिंदगी में सौतेले पिता आए। गरीबी और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए कादर खान ने अपना एक नाम बनाया और उन्होंने कई फिल्मों के सुपरहिट संवाद भी लिखे। अगर आप कादर खान के फैन हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर लिखें और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं।